राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीवाज मनी पर। आई एम सोनिया कपूर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे जातक जिनकी अपनी मैरिज लाइफ में या अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है। आखिर क्या वजह है कि हमेशा जब भी हम भले ही कितनी भी वफा दें या कुछ दें, लेकिन ये प्रॉब्लम जो कि तो वैसी है ही है। एक रिलेशन छोड़ने के बाद अगर आप दूसरे रिलेशन में भी जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ बनी ही है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके स्पाउस से उस तरह से रिलेशंस नहीं है जैसे आप सोचते हो या जैसा आप चाहते हो। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी वजह है कि ये मेरे साथ ही, मतलब जो जातक ऐसा सोचता है। जैसा कि कुछ इयर्स के नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो लोग इस इयर्स में पैदा हुए हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ, उनकी अपनी मैरिज लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन क्योंकि खासकर लोग इस चीज को जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या हो रहा है, क्योंकि हर इंसान इनोसेंट है इस दुनिया में, हर इंसान इनोसेंट है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। लेकिन होता यह है कि हम जब दूसरों के कर्मों को सिर्फ देखते हैं, अपने कर्मों को नहीं कोई भी देखता। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे जातक जो इस ईयर में पैदा होते हैं, वो जातक जन्म से ही अपने साथ ये वाला कर्म लेकर आते हैं। उनके साथ ये चीजें जन्म जब उनका उनकी पैदाइश होती है तभी ये चीज लिख दी जाती है, उनके साथ ये चीज होती है कि उनके स्पाउस के साथ हमेशा उनकी कोई ना कोई अनबन बनी ही रहेगी, भले ही वो मानसिक तौर पर, भले ही वो फिजिकल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं ये चीजों की संतुष्टि नहीं होगी उसके किसी भी रिलेशंस में। क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। पहले के जमाने में लोग रिश्तों को संभाल लिया करते थे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में बंद कमरों में समेट लिया करते थे। लेकिन जो आज का टाइम है वो ऐसा है कि इंसान जज्बाती तो रहा ही नहीं, आज के टाइम पर दिल से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जब हमारी एक रिलेशनशिप नहीं संभली जाती, मतलब जो एक रिलेशनशिप अच्छी नहीं आती, तो इंसान सेकंड रिलेशनशिप में चला जाता है। इसी तरीके से काफी लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती तो वो दूसरी मैरिज लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उस जातक को कैसे पता चले कि, क्योंकि जब जो इंसान है वो हमेशा ऐसा सोचता है कि हमारे साथ चीजें बन रही हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इस इंसान जिसके साथ हम रह रहे हैं, इसके साथ हमारी लाइफ ऐसी है, लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे या कहीं और जाएंगे तो वहां पर सही हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर इंसान अगली रिलेशनशिप में चला जाता है, सेकंड मैरिज में भी चला जाता है कई बार। लेकिन अगर जातक इस चीज को समझ ले, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाए हुए डिजिट जो इयर्स दिखा रही है उसमें अगर आपका बर्थ है, तो आप जान सकते हैं कि आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में जाएं, आपकी कोई भी रिलेशनशिप मतलब उस मुताबिक नहीं होगी जैसा कि आप चाहते हैं। अब ये किसी का दोष नहीं है, ना सामने वाला का दोष है ये, ना ही किसी और चीज का। अब ये क्योंकि पैदाइश आपके साथ चीज बनी है, तो यहां पर आपकी समझदारी ही काम आ सकती है। जो लोग इस ईयर में पैदा हुए हैं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में रहना है और फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत से रिश्ते भी होते हैं, तो क्या करें ऐसा कि हमें भी वफादारी मिले, क्या करें ऐसा कि चीजें ठीक हों। यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहां पर जब एक जातक को ये पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ कर्म कांड बर्थ से ही ऐसी चीजें बनी हुई हैं, इस वजह से हमारे साथ ये चीजें होती ही हैं, तो यहाँ पर वो अपने एक रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकता है अगर वो समझदारी से काम ले। इसमें आप
अपने कर्म को, क्योंकि प्लैनेट्स आज के युग में काफी लोग प्लैनेट्स पे यकीन रखते हैं और काफी लोग नहीं रखते हैं। पहले मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन शोध करने पे, रिसर्च करने पर जब समझ आई कि सिर से लेकर पैर के नाखून तक एक इंसान हार्ड मास सिर्फ दिखने में है, लेकिन ये इस पर सिर्फ ये प्लैनेट से बना हुआ इंसान है। हर इंसान जो भी कर्म कांड करता है वो अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग करता है, या फिर अपने कर्मों को जिस तरीके से वो लिप्त होता है उस चीज को निभाने में वो प्लैनेट्स उसके साथ हेल्पर होते हैं। तो यहां पर इंसान जो जातक है इस ईयर्स में पैदा हुआ है, अगर उसको ये चीज समझ आ जाती है कि हमारी रिलेशनशिप में पैदाइश ही जंग लग चुका है, तो क्योंकि ये कर्मों की सृष्टि है, ये जो सृष्टि है, ये दुनिया है, ये वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये भगवान ने कर्मों के अकॉर्डिंग पर बनाया था। एक बर्थ से दूसरे बर्थ और तीसरे बर्थ में ऐसे ऐसे करके प्लैनेट के हिसाब से ही हर इंसान अपने बर्थ को चेंज करता है। तो जब ये चेंज करता है तो वो अपने पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग ही हम जब अगला जन्म लेते हैं तो वहां पर हमें नेक्स्ट बर्थ में हमारे उसी कर्म से रिलेटेड बाकी कर्म मिलते हैं। तो उसी को हम, जैसे कि हम फर्स्ट में होते हैं तो वहां पर जो हमें पढ़ाया जाता है ABC पढ़ाई जाती है, तब हम जब अगली क्लास में पढ़ते हैं तो पहले ABC पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर उसका दो अक्षरों को जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है। इसी तरीके से जब हम एक बर्थ से दूसरे बर्थ में जाते हैं तो वो और बोनस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कुछ कर्म हम पिछले जन्मों से, कुछ क्या, हर कर्म ही पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, लेकिन अगले जन्मों में आकर अगर उस चीज को हम संभल जाते हैं, हमें पता चल गया कि ये चीज हमारे साथ है, तब हम उस रिलेशन को, क्योंकि जो ईयर्स पर हम अभी बात कर रहे हैं, ये ईयर्स पे जो लोग पैदा हुए हैं, जो जातक पैदा हुए हैं, उनके साथ यही है कि उनकी रिलेशनशिप में तो जंग लगने की पूरी संभावना है हमेशा। लेकिन यहां पर अब इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, ये जो सृष्टि है ये परमेश्वर की है, ये अपने दिमाग को शांत रखना, मेडिटेशन करना, चीजों में मालूम पड़ गया कि इस चीज में हाथ डालने से ये चीज हमारे लिए घातक हो तो उस पे समझदारी से काम करना, जब हमें मालूम ही हो गया कि ये रिलेशन छोड़े या उससे अगली रिलेशन में जाए, कहीं पर भी वो चीज मिलने वाली नहीं है, तो इस रिलेशन को किस तरीके से हम संभाल लें, अगर वो जातक पहले से ही इस चीज को समझ जाए और अपने रिलेशंस को उस तरीके से संभाल के चले, तब इनकी जो मैरिज लाइफ है या इनके स्पाउस हैं, इनको समझते हैं। और दूसरी बात है कि ऐसा जातक हमेशा अपनी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही कोई रिलेशन रखे, अपनी कुंडली के विश्लेषण पर ही अच्छे तरीके से कुंडली को दिखाकर अगर वो अपने स्पाउस को, क्योंकि यहाँ पर अगर चीजें बिगड़ती हैं तो अथॉरिटीज हाई कोर्ट, मतलब अथॉरिटी तो हमारे परमेश्वर के हाथ में, अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो अध्यात्म अपने मन में लेकर चलते हैं, अपनी आत्मा में लेकर चलते हैं, तो आपको उसका सलूशन भी दिया जाएगा, मिलता है उनको सलूशन। तो वो जब आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उस वक्त पर जब आपकी मैरिज का टाइम हो आपके स्पाउस के साथ, उस टाइम पर इकट्ठा जब विश्लेषण होगा तो वहां पर बहुत सी ट्रिक्स और बहुत से टिप्स होते हैं, या फिर अगर आपकी मैरिज काफी सालों से चल रही है और उसके बावजूद वहां पर वो चीज आपको सही नहीं मिल रही है, तो तब भी आपके बहुत से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी मैरिज लाइफ को सही किया जा सकता है, जिससे आपको, आप अपने स्पाउस के साथ उस बेस पर उस तरीके से रह सकते हैं कहीं ना कहीं मन की संतुष्टि के हिसाब से। तो वो, अगर आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी चाहिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। अब जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अगर एक जातक इस
इस ईयर्स में पैदा हुआ है, इस ईयर्स के नंबर्स में वो उस जातक, जो जातक पैदा हुआ है, यहाँ पर भी इन लोगों के साथ इनकी जो फैमिली लाइफ होती है थोड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग तरह से होती हैं। जब जो नंबर्स मैंने पहले दिखाए वो कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं, किस तरह के कर्म, जहां पर शापित भी होते हैं कुछ शापित, लेकिन यहां पर जो मैं इस वक्त पर जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जो इस ईयर्स में जो जातक पैदा हुए हैं, अगर वो देखेंगे इन लोगों की भी फैमिली लाइफ धीरे धीरे बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी मैरिज लाइफ में भी इनके स्पाउस के साथ इनकी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन इनकी वजह कुछ और होती है। ये लोग जब पैदा होते हैं तो ये लोग जब पैदा होते हैं तो ये अपने साथ उस कर्म को लेकर आते हैं कि ये लोग परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। ये अपने साथ पैदा जब होते, ये जब पैदा होते हैं तो ये अपने साथ स्पिरिचुअलिटी का कर्म लेकर पैदा होते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं पिछले बर्थ में, लेकिन क्योंकि इस बर्थ में आकर अगर ये फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ जब ये अपनी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इनकी फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहने लगती है, लेकिन इनके पास इसका बहुत अच्छा सलूशन पहले ही है। ऐसा जातक जिसको ये समझ आ गई कि ये ईयर्स में आने पर मेरी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, लेकिन किस वजह से होगी, इन लोगों की जो डिस्टर्बेंस होगी वो इस वजह से होगी, अगर ये जातक टाइम रहते सही टाइम पर जल अपना स्पिरिचुअल हो जाता है, ये अपने मन को, तन को, अपनी आत्मा को शुद्धता में ले जाता है सही उम्र में, तो अगर ये छोटी उम्र से ही स्पिरिचुअल होना शुरू कर देता है ये इंसान, होता है क्योंकि इसको स्पिरिचुअल होना ही है, क्योंकि ये इंसान पैदा हुआ है एक टाइम पर जाकर बहुत अच्छी तरह से अपने मन को परमेश्वर के साथ रमने के। तो अगर ऐसा जातक जिसका इस ईयर्स में ये पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसा जातक अगर अपनी बढ़ती उम्र के साथ पहले ही स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, अपने मन से आत्मा से शुद्धता में चला जाता है, अपने अध्यात्म मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ अपने अध्यात्म में भी पूरी अध्यात्म को भी अच्छे से निभाता है, तो अध्यात्म क्या है, ये नहीं कि मंदिर गए जल चढ़ाया हो गया अध्यात्म, अध्यात्म का मीन्स है कि मन से अध्यात्मिक होना, अपनी सोल से अध्यात्मिक होना, अपने अंदर से इस चीज को जागृत करना कि अध्यात्म है क्या सही मायने, अवेयरनेस में रहना, इस दुनिया में होते हुए भी परमेश्वर के साथ लीन रहना। जब ये इंसान स्पिरिचुअल रहेगा तो इसकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी और इसकी मटीरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी, ये बैलेंस बना लेता है। तब इनको ऐसे जातक जिनको ये पता चल गया कि मेरा यहाँ पर ये चीजें प्रॉब्लम है, लेकिन किस चीज की, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही, तो ये लोग अगर टाइम रहते ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो इनकी जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इनकी समस्याओं का समाधान नेचुरली भोलेनाथ करते रहते। तो इसलिए अगर आप इन ईयर्स में पैदा हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको किसी तरीके की आपको कोई टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पर इंसान बहुत सारी सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाता और कई बार हार जाता है, तो आप हारे नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए। आई होप मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी।
थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जिनको इस चीज़ की प्रॉब्लम है या ज़रूरत है, जिनको प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।